नमस्कार, मैं हूं मंदार जाम सरणीकर और आपका स्वागत है इस YouTube सेशन में। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। ये स्टॉक जो है ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में एक आउट परफॉर्मर चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए। एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे होना है, किस तरीके का एक मूव बन सकता है, कौन से लेवल पे क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिए। मैं जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। मेरे पीछे आपको ये SBI लाइफ का चार्ट दिख जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं एनालिसिस। अब अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, यानी मंथली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है इसका, तो मंथली चार्ट ये पूरा लिस्टिंग से अब तक का चार्ट आपको दिख जाएगा। 2017 से लेकर अब तक का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब आप देख पाएंगे कि जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद एक फ्लैट काइंड ऑफ अ ट्रेड देखने को मिला, उसके बाद 2018 में एक शार्प फॉल हुआ, उसके बाद 2018 और 19 के बीच में एक अपमूव भी बनी, लेकिन जिस तरीके से एक अपमूव बनी उसी तरीके से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिला। 2020 यानी कोविड के बाद स्टॉक में एक स्टेडी काइंड ऑफ एन अपमूव देखने को मिली, और पिछले दो साल से आपको दिखेगा कि ये स्टॉक एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड में यहाँ पे बना हुआ है। तो एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसका मतलब क्या है, तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ था पिछले दो साल से। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे अगर सारे सेक्टर के सारे स्टॉक्स देख लो तो आपको एक तो कंसोलिडेशन में मिल जाएंगे, डाउन ट्रेंड में मिल जाएंगे। ये अकेला एक स्टॉक है कि जो इस तरीके का एक बढ़िया सा अपमूव दिखा रहा है, कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। अब इस तरीके का ट्रेड जब भी होता है कि कोई भी स्टॉक बार बार जाके रेजिस्टेंस को जब हिट करता है तो फाइनली वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब इस केस में क्या हुआ है, तो आज के दिन जिस तरीके का एक मूव बना है तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था ये रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला है, तो लेवल भी एग्जैक्ट देखेंगे, एक्चुअल लेवल्स प्लॉट करेंगे। तो इसलिए आज ये वीडियो में ये स्टॉक मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये है मंथली चार्ट और ये स्टॉक है SBI लाइफ। चलिए अब डेली चार्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये देखिए, ये मैंने डेली कर दिया। अब अगर आप ये डेली चार्ट देखो तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए, एक तो पहला तो जो शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं, और अगर इसके साथ आप नीचे में अगर वॉल्यूम्स भी अगर ट्रैक कर लो, ये देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से बन रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ने ये जो शॉर्ट टर्म वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर दिया। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो ये 1336 वाली रेजिस्टेंस लेवल है, 1336 आपको चाहिए रहेगा, तो मैं ये लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए ये लेवल है 1336, इसको बड़ा कर देता हूं यानी आपको देखने में आसानी होगी। और एक चीज करेंगे कि इसके साथ हम मंथली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पे भी एक लेवल प्लॉट कर देंगे। तो अब इसको पहले तो ये स्टडी मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ ये देखिए मंथली कर दिया मैंने अभी इसको, और मंथली पे और कोई रेजिस्टेंस है क्या, तो ये एक छोटा रेजिस्टेंस है इसका है 1340 और ये है 1336। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं 1340, समझ में आ गया। तो ये 1336 1340 इस तरीके का ये लेवल बनता है। चलिए अब डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे जब आते हैं तब आपको यहाँ पे और एक चीज जो देखने को मिलेगी वो है कि ये सिर्फ रेजिस्टेंस सीधा जाके ब्रेक नहीं हुआ है, इस स्टॉक में एक अपमूव बनी। ये देखिए ये वाली अपमूव बनी, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर ये एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ्लैट फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इसका जो पोल होगा, पोल का इसमें टारगेट बनेगा, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जब बनती है तो वो पहले शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनती है, फिर उसके बाद, यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है तो इंट्राडे चार्ट पे पहले दिखेगी, फिर उसके बाद डेली पे दिखेगी, उसके बाद वीकली पे दिखेगी, और फाइनली मंथली पे दिखेगी, समझ में आ गया। तो डेली की अपॉर्चुनिटी से पोजीशन स्टार्ट करनी है,
और फिर अगर आप इन्वेस्टर अगर हो तो फिर मंथली पे जाके रिव्यू करना है मंथली क्लोजिंग पे कि सही में ये ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, और अगर हो जाता है ब्रेकआउट तो उस केस में हमारी जो पोजीशन है वो हमने कैरी करनी है। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है कि जो फिलहाल पूरे सेक्टर, ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, इसे आउट परफॉर्म कर रहा है। अब लेवल कौन सी है जो मैंने बताई थी आपको, 1336 और 1340। अब ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी पिछले दो साल से। अब आगे जाते हुए ये लेवल क्या बनेगी, तो प्राइस ने एक बार ब्रेक कर दिया तो ये लेवल बन जाएगी सपोर्ट। तो टेक्निकल्स में हमेशा ध्यान रखना है कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, एंड वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये 1336 और 1340 ये अब स्टॉक के लिए सपोर्ट बनने वाले हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देख के अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बना लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये बैंड के नीचे। तो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 1330 या फिर 1325 या फिर 1320 इसके नीचे। यानी आगे जाते हुए अगर ये प्राइस फिर से इस बैंड के नीचे आ जाता है तो मेरा व्यू फेल हो जाएगा, जिस केस में मैंने पोजीशन एग्जिट कर देनी है। इतनी सिंपल सी बात है। द रीजन फॉर विच आई एंटर अ ट्रेड, इफ द रीजन फेल्स आई एग्जिट द ट्रेड। समझ में आ गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉप लॉस। सादा सिंपल डेफिनेशन है कि जो आपने फॉलो करना है, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना है। तो डेली चार्ट पे स्टार्ट कीजिए ट्रेड, और फिर जिस तरीके से आगे जाते हुए ये किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है, प्राइस मूव होता है, वो देखने पे मंथली पे फिर से एक बार इस पे चार्ट चेक करेंगे और फिर देखेंगे आगे का टारगेट क्या बनेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, क्या नया स्टॉप लॉस होगा। ये सारी चीजें मंथली क्लोजिंग पे वापस कर सकते हैं। आज शाम को इसका डिटेल एनालिसिस जो है मेरे तरफ से आपको ऊपर में प्रिसियन असिस्ट में मिल जाएगा। तो आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हैं तो ये ऊपर में ये जो प्रिसियन असिस्ट है ये आप आके ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल एनालिसिस आपके लिए पोस्टेड होगा। अगर आपको प्रिसियन एक्सेस का एक्सेस नहीं है, इसका मतलब है कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर नहीं है, तो नीचे मेरा नंबर दिया है, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मेरी टीम आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, आपको एनरोल करेंगे और आपका हाथ पकड़ेंगे, आगे लेके जाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है। तो ये वो करना है तो वो कर लीजिए, नीचे नंबर है, इमीडिएट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये है आज का स्टॉक आपके लिए, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, ये है SBI लाइफ। ट्रैक कीजिए जरूर ये स्टॉक, और एनालिसिस जो है ये भी ध्यान में रखिए। रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थम्स अप दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।